बहराइच में मूर्ति विसर्जन जुलूस में बवाल की साजिश की गई थी पहले से प्लान, ऐसी आशंका जताई जा रही है। चश्मदीदों की माने तो जहां डीजे विवाद हुआ वहां पहले से उपद्रव आगजनी की तैयारी थी। उपद्रव के दौरान इस्लामिक झंडे लहराए गए और भगवा झंडे को तोड़ा गया। उपद्रव के दौरान कांच की बोतल और कैरेट मस्जिद कई घरों की छत पर रखी गई थी। वो ज्यादातर घरों के बाहर पत्थर इकट्ठा किया गया था, साथ ही नजदीकी मस्जिदों से भड़काऊ ऐलान भी किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों तरफ से गलियों में जुलूस को घेरा गया ताकि भीड़ में फंस जाए। मूर्ति विसर्जन के जुलूस में डीजे वाली गाड़ी को तोड़ दिया गया, कई राउंड फायरिंग की गई और तलवार जैसे हथियार का भी प्रयोग किया गया, जिसके बाद विसर्जन रोक कर लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। आरोप है कि इस दौरान मौजूद हजारों भीड़ मौके पर पहुंची और उपद्रव शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान दूसरे समुदाय के लोग एक युवक को घर के अंदर पकड़ के ले गए और गोली मार दी, जिससे रेंगा मसूर निवासी रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई। हिंसा पर सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में है। सीएम ने डीजीपी से बात करके ताजा अपडेट लिया है।